चल रहा है, आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है किसी ने आपको बताया नहीं हो, वो लोकेशन ना बताई हो, तो मैं तो आपको विद लोकेशन और विद पर्सन भेजूंगी, तब आप देख के मुझे बताइएगा धरातल पे काम है कि नहीं है। ही इज़ फ्रॉम बेसिकली बसपा, ही हैज़ नाउ जॉइंड कांग्रेस, दैट इज़ अ थिंग। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर मेरिट की बात होती है। अगर आप इन्हीं को देख लीजिए, मैं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से कामा की विधायिका जायदा हुसैन पर भरोसा जताया और एक बार फिर से मंत्रिमंडल में पुनर्गठन किया है और विस्तार किया है, राज्य मंत्री बनाया है, शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार सौंपा है। ऐसे में आज फिरोजपुर झिरका में आम आवाम ने इनका स्वागत किया है और लगातार समर्थनों का दौर जारी है। ऐसे में दोनों कड़ियाँ इसके साथ जुड़ी हुई, क्योंकि सत्ता के साथ दोनों प्रधान भी इनके साथ बैठे हुए हैं। मैडम, पहले तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अजय माखन जी, अशोक गहलोत जी CM साहब, उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ में अपनी यकीन जताया है और मैं पूरी तरीके से उनकी उम्मीदों पे खरी उतरने की कोशिश करूँगी। प्राथमिकताएं क्या होंगी आने वाले वक्त में? एक्चुअली पहले भी मेरी गर्ल्स एजुकेशन और उसमें भी खास तौर से गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस था, इसीलिए शायद मुझे शिक्षा का महकमा दिया गया है, मैं तो ये समझती हूँ। मैडम, मेवात इलाका शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पे अपराध की दुनिया में फंसते जा रहे हैं नौजवान। मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, अगर शिक्षा होगी, अगर आप किसी भी समाज का विकास करना चाहते हैं तो उनको शिक्षित कर दीजिए। ये सोच चौधरी यासीन खान ने उस ज़माने में रखी थी जब कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, तब उन्होंने ब्रेन हाई स्कूल के नाम से एक स्कूल खोला था, फिर उसको चौधरी तैयब हुसैन ने कॉलेज में डेवलप करके यासीन कॉलेज बनाया। तो शिक्षा की तरफ हमारा परिवार सदा से रहा है और हम ये मानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से बच्चियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सब लोगों से, भाई चाहे रोटी आधी खा ली हो, लाली ने जरूर पढ़ाओ। मैडम, जब आप कामा की धरती पर कदम रखेंगी शिक्षा मंत्री के बनने के बाद, तो वहाँ की जनता की ये मांग है कि बीएड कॉलेज की कोई घोषणा की जाए या फिर कोई नर्सिंग कॉलेज का कोई ऐसी सौगात दी जाए? मेरे तक तो ये बात आई ना है और उनकी लड़ाई तो मैं लड़ी रही हूँ पढ़ाई की। जब मैंने पिछली बार मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी थी और MLA थी, उस टाइम भी मैंने आदरणीय अशोक गहलोत साहब से 2 कॉलेज स्वीकृत कराए थे, एक कामा के लिए, एक पहाड़ी के लिए, जो कि रिकॉर्ड की बात थी। और बड़ा दुख है मुझे कि BJP आते ही सबसे पहला काम उन 2 कॉलेजों को बंद करने का करा। मैंने वो दोबारा से सेंक्शन कराए हैं और उन पर बहुत काम चल रहा है। मेरे रेजिडेंशियल स्कूल आए हैं माइनॉरिटी के, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो हम शिक्षा क्षेत्र में पहले ही लगे हुए हैं, अब और जोर शोर से करेंगे। मैडम, धरातल पर विकास नजर नहीं आता है, वादे होते हैं, ये वादा नहीं है। ज़मीन अलॉट हो चुकी है, काम चल रहा है, आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। हो सकता है किसी ने आपको बताया नहीं हो, वो लोकेशन ना बताई हो, तो मैं तो आपको विद लोकेशन और विद पर्सन भेजूंगी, तब आप देख के मुझे बताइएगा धरातल पर काम है कि नहीं है। मैडम, पार्टी के कुछ विधायक हैं जो ये कह रहे थे कि भ्रष्ट हैं, मतलब, और मंत्री बनने के लायक नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो आला कमान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि ये फैसला आला कमान का है। और अगर उनके पास कोई बात अगर कह रहे हैं मीडिया में, तो मैं उनको ये राय दूंगी कि उनके सबूत लेके वो आला कमान से मिलना चाहिए, और अब तक तो उनको मिल लेना चाहिए था। और अपनी ग्रीवेंसेस अगर पार्टी फोरम पे रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि प्रेस में कहने से किसी चीज़ का सोल्यूशन निकलता है। ये आरोप भी लगाया कि हम तो पुराने सिपाही हैं कांग्रेस के और जन्मजात हम रहे हैं, तो हमको मंत्री पद नहीं। ये तो देखिए, ग्रीवेंसेस उनकी हाई कमान कर सकती हैं भाई, मेरे हाथ में नहीं है। जन्मजात से नहीं मिलती है मिनिस्ट्री, आपको मेरिट पे मिलती है। ही इज़ फ्रॉम बेसिकली बसपा, ही हैज़ नाउ जॉइंड कांग्रेस, दैट इज़ अ थिंग। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर मेरिट की बात होती है। अगर आप इन्हीं को देख लीजिए, ये अब इतने सालों से 2000 में तो ये प्रधान बन गई थी, फर्स्ट वुमन प्रधान, एंड सिंस देन शी इज़ बिकम द फर्स्ट वुमन MLA ऑल्सो फ्रॉम मेवात, एंड शी इज़ डन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स फॉर वुमेन, एंड उसको रिकग्नाइज़ किया है CM साहब ने और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने, एंड दिस शुड बी अपलोडेड। और उसके लिए उनको किसी को नीचा दिखाना या किसी को भ्रष्ट बोलना, ये उनकी सोच की घटियापन दिखती है। मैडम, जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, क्या वजह थी? कोई अंदरूनी लड़ाई आपसी?
नहीं, मेरी तो भाई किसी से भी कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो अल्लाह पे यकीन रखती हूँ कि अगर कोई बुरा करेगा अच्छा करेगा, अल्लाह उसका सिला देगा। मैडम आपको मंत्री बनाया है और दोनों कड़ी साथ जुड़ गई हैं, दोनों प्रधान आपके बने। मेरा चेयरमैन भी मैंने 20 साल में बनाया है, सबसे पहली बुनियाद हमने चेयरमैन के, हाँ उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और उतर रहे हैं, जब ही लोग हमें आगे और भी मौका दे रहे हैं। आप मानिए कि 20 साल बाद कांग्रेस का चेयरमैन बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और उसके बाद फिर दोनों प्रधान बनना, एक अनअपोज्ड बनना, दूसरी भी अनअपोज्ड ही थी, बट उनको इलेक्शन लड़ना था, 4 वोटों पर सिर्फ उन्होंने फॉर्म भरा, सिम्बॉलिक इलेक्शन कहूँगी मैं उसको। अगर टाइट इलेक्शन होता है तो 1-2 वोट का फ़र्क होता है, ना कि 15-15 वोटों का फ़र्क पे आप वो करते हो, तो वो वाली बात है। लेकिन जब जनता का समर्थन हमारे साथ है तो ऊपर वाले की दुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ विधायिका जाहिदा खान, जो कि कामा से विधायक और मंत्री बनाया गया है, और लोगों को उम्मीद है अब ज़्यादा जग गई हैं, क्योंकि अब मंत्री परिषद में अब जगह मिल गई है, उसके बाद पूरे तरीके से सत्ता में सरकार है। संयुक्त मेवात, हरियाणा और राजस्थान की मेवात को ज़्यादा उम्मीदें हैं कि विकास अब अपनी राह पकड़ेगा और यहाँ के जो यहाँ के भविष्य है वो उज्ज्वल हो पाएगा, और नौजवानों को बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम खुल पाएंगे।